सो हेलो एंड व्हाट्सअप हो गया आप सभी लोगों का मेरे इस नए वाले वीडियो में। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे फेक पिक्सल स्काई ब्लॉक सर्वर। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया था टर्मिनेटर के बारे में। तो गाइस क्या होगा अगर टर्मिनेटर वर्सेस जीजूबो लगा दिया जाए, क्या जीजूबो जीतती है या फिर टर्मिनेटर जीतता है। तो गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखना, वीडियो में आने वाला बहुत मजा। एंड गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं रखता हूं 100 लाइक्स का एम एंड देखते कितने जल्दी आप जो कंप्लीट करवा पाते हो। एंड गाइस हमें जो है हमारी फैमिली को 2K पर ही नहीं रुकना चाहिए, हमें जो है जल्दी से जल्दी 3K भी कंप्लीट करना चाहिए। तो गाइस फटाफट से आप जो है सब्सक्राइब बटन को हिट करो या फिर उसे तोड़ दो या फिर कुछ भी कर दो गाइस, पर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकॉन जरूर से दबाना। तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं जो इससे डैमेज चेक कर लेता हूं कि क्या हमारी जीजू बो या फिर टर्मिनेटर ज्यादा डैमेज दे पाते हैं। तो एंड इसकी एबिलिटीज भी मैं जो बता देता हूँ। तो गाइस टर्मिनेटर जो है 3 hits यानी कि भाई 3 boss को जो है एक साथ फेंकता है। एंड गाइस जूजू यानी कि भाई जूजू बो जो है सिर्फ ये की बो डालती है, लेकिन इसकी एबिलिटी थोड़ी बहुत फास्ट क्या बोलते हैं बो फेंकती है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं जो एक बार ट्राई करके देखता हूँ रेवेनेंट स्लेयर की कौन सा जो है स्लेयर जीजू से फास्ट होता है या फिर टर्मिनेटर से। तो सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूँ टर्मिनेटर एंड देखते हैं इससे कितने देर में हम जो है बॉस को मार पाते हैं। ओके तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा बॉस स्पॉन हो चुका है। तो फटाफट से मैं जो इसे हिट करता हूँ एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो शायद से 5 seconds भी नहीं लगे। हाँ गाइस 5 seconds भी जो इसे मारने में नहीं लगे। तो अभी ट्राई करता हूँ जीजू बॉस है एंड देखते कितना डैमेज इसका हुआ है। बेसिकली इसे जूजू बोलते लेकिन मैं पता नहीं इसे जीजू जीजू क्यों बोलता हूँ, मेरे को पसंद आ गई है भाई ये बो क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइस फटाफट से मैं जो है अभी जूजू से हिट करके देखता हूँ कि कितना डैमेज इससे होता है। तो मेरा बॉस जो है स्पॉन हो चुका है, तो अभी मैं हिट करके देखता हूँ कि कितने मिनट्स में जो है बॉस मर पाता है। एंड गाइस इसी के साथ मुझे क्रेजी ड्रॉप में कुछ अच्छा मिल चुका है जो कि आप लोग नहीं देखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलो गाइस अभी इसमें हम जो है नॉर्मल डैमेज टेस्ट करते हैं जो कि नॉर्मल आर्मर से। तो नॉर्मल में जो है ऐसे आर्मर यूज कर लेता हूँ यानी कि शैडो आर्मर में यूज कर लेता हूँ एंड इससे मॉब का डैमेज चेक करते। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 134K का डैमेज ये जो है दे पा रहा है। तो अभी मैं टर्म यूज करके देखता हूँ कि कितना डैमेज मुझे मिल रहा है। तो गाइस टर्म में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लोल व्हाट द हैक, ये टर्म ही है ना भाई, इसका डैमेज तक नजर नहीं आ रहा है लोल, शायद से किसी बॉस पे ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 90 यानी कि भाई 90K का एक एरो डैमेज दे रहा है। तो टोटली 3 arrows जो ये डैमेज करते है। आप सभी लोगों को पता है 3 arrows जो है इसके अंदर रहती है एंड ये जो है हमारे क्राइट चेंजेस को भाई डिवाइड कर देता है 4 यानी कि भाई हमारे क्राइट चेंजेस को जो है 4x डिवाइड कर देता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका भी बॉस मार लिया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी बो बेस्ट है, क्या हमारी जीजू बेस्ट है या फिर टर्मिनेटर। तो गाइस टर्मिनेटर बेस्ट है क्योंकि आप सभी लोग को पता है हमारी जीजू बो से जो है हम T4 रीमैन नहीं कर सकते, लेकिन टर्मिनेटर से हम जो है आसानी से कोई भी इमेंस लेयर कर सकते हैं एंड बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि गाइस टर्मिनेटर से जो है बहुत ही फास्ट हिटिंग होती है। एंड गाइस अगर तुम FD में भी स्ट्रांग नहीं रहे तो टर्मिनेटर से भी आसानी से मर जाते हो क्योंकि टर्मिनेटर जो है बॉस को टेलीपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड से करता है। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा स्पीड से जो है डैमेज करता है क्योंकि आप सभी लोग को पता है जैसे ही मैन टेलीपोर्ट होते तो बहुत ही ज्यादा जो है डैमेज हमको दे देते इससे कि हम जो है मर जाते। तो गाइस फाइनली हमारा जो है टर्मिनेटर ही जीता है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है टर्मिनेटर जितना
इतना स्ट्रॉन्ग आज तक कोई वो है भी नहीं, सिर्फ फेक पिक्सल में। क्योंकि गाइस टर्मिनेटर में डेंजन्स में भी जो है हम वन हिट बॉस कर सकते हैं, एंड शायद ही जूजू, हाँ भाई शायद ही जूजू बॉस से जो है हम वन हिट कभी कर पाएंगे बॉस को, लेकिन टर्मिनेटर से हम एक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ शायद से इसकी एबिलिटीज भी जो है थोड़ी बहुत है, जैसे कि इसके अंदर फोर्सिटी है लेकिन इसके अंदर नहीं है गाइस। टर्मिनेटर में फोर्सिटी नहीं है लेकिन यहाँ पे बोनस अटैक हमको मिल जाता है, एंड गाइस हाँ बोनस अटैक यहाँ पे जो है रहता है, एंड क्या बोलते हैं जूजू में हमारी क्या बोलते हैं फोर सिटी रहती है जो कि प्लस फाइव है। एंड गाइस नॉर्मली इसके अंदर भी 100 लीटर 1 है, 100 लीटर 1 इसके अंदर भी है, एंड सब कुछ सेम है गाइस, सब कुछ नॉर्मल है, बस वो चेंजेस है ये जूजू है एंड ये टर्मिनेटर है। तो गाइस आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि मुझे जो है न्यू अपकमिंग फेक पिक्सल अपडेट्स के बारे में वीडियो लानी चाहिए या फिर नहीं। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया लगी होगी एंड आप लोगों ने जो है बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।